बोलते कमला, ये तुम्हारा भूत बंगला नहीं बल्कि ये फ्री फायर है। और इतना बोलकर बाबा कमला पर छत से छलांग लगा देते हैं। दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन तीनों फ्री फायर खेल रहे हैं, लेकिन आज सोन तो गुल्ली बुली को एक बार भी जीतने नहीं दे रहा। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। गुल्ली बोलता, बुल्ली जल्दी से उधर से सोन को घेरो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। डबल किल। अरे ये क्या, गुल्ली और बुल्ली ने तो सोन को हरा दिया है। सोन बोलता है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा, इसीलिए तुम लोग मुझे हरा पाए, लेकिन मैं तुम लोग से एक न एक दिन बदला लेकर ही रहूंगा। तभी इन तीनों को बाहर से आवाज आती है। गुल्ली बोलता है, बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, मुझे 1 किलो आलू खरीदना है क्योंकि मुझे आज शाम में आलू की रोटी बनानी है। सोन बोलता है, वाह गुल्ली, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, अब जल्दी चलो बाहर, नहीं तो वो सब्जी बेचने वाला चला जाएगा। गुल्ली बुल्ली दौड़कर बाहर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। आलू ले लो, कांदे ले लो। अरे ये क्या, ये आलू प्याज तो बाबा बेच रहे हैं। बुल्ली बोलता, ये क्या कर रहे हैं बाबा, ये आलू प्याज बेचना आप पर शोभा नहीं देता। बाबा बोलते, क्या करोगे बुल्ली, इस पापी पेट के लिए कमाना पड़ता है। सोन बोलता, चल बे बुड्ढे, अब 1 किलो आलू पैक कर और आधा किलो प्याज। गुल्ली बोलता, सोन तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो चुके हो। सोन बोलता, गुल्ली मैं तो रोज आलू प्याज बेचने वाले से ऐसे ही बात करता हूँ, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये आलू प्याज बेचने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे बाबा है, और तुम बाबा से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। सोन बोलता, लगता है कि ये बुड्ढा छड़ी भी बेच रहा है। बाबा बोलते हैं, ये छड़ी मुझे दे दो, ये मेरी जादुई छड़ी है। सोन बोलता, इस छड़ी से तो मैं भी जादू कर सकता हूँ। और फिर सोन जादुई छड़ी बाबा की तरफ घुमा देता है। अरे ये क्या, बाबा तो कुत्ता बन चुके हैं। गुल्ली बोलता, सोन ये तुमने क्या किया, जल्दी से बाबा को वापस ठीक करो। सोन बाबा को कुत्ता के रूप में देखकर काफी डर जाता है, और फिर सोन वापस से छड़ी घुमाता है, और फिर बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। लेकिन बाबा के ठीक होने के बाद तो बाबा काफी गुस्से में है, लगता है कि सोन की आज खैर नहीं। अरे इतनी जल्दी आखिरकार सोन कहाँ चला गया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बाबा बोलते हैं, आज मैं सोन को छोड़ूंगा नहीं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन बाबा ने तो सोन को देख लिया है, और अब सोन की खैर नहीं। बाबा ने तो सोन की मार मार की हालत खराब कर दी है। गुल्ली बोलता, बाबा आप सोन को मार कर काफी थक चुके हैं, चलिए मेरे घर में, मैं आलू की रोटी बनाने वाला हूँ, आप आलू की रोटी खाने के बाद वापस आलू प्याज बेचने के लिए चले जाइएगा। बाबा बोलते, हाँ गुल्ली ऐसी मुझे काफी जोरों की भूख लगी हुई है। और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा वहाँ से तीनों घर में चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो अपनी जादुई छड़ी को बाहर ही छोड़ दिया है। बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पे जाके सोफे पे लेट जाते हैं। बाबा बोलते हैं, अब जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, मुझे काफी जोरों की भूख लगी हुई है। गुल्ली बोलता, बाबा अभी मैं बस 2 मिनट में बनाता हूँ, तब तक आप गेम खेलिए। बाबा अपना सर हिलाते हैं, और फिर बाबा कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। डबल किल। और इधर बुल्ली बाबा के लिए इंतजाम ले आता है। बाबा ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और इधर सोन धीरे धीरे होश में आ रहा है। सोन बोलता है, बाबा ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, और अब मैं बाबा से बदला लेकर ही रहूंगा। तभी सोन की नजर बाबा की जादुई छड़ी पर जाती है। सोन वो छड़ी को उठा लेता है, और बाबा के ठेले पर जादुई से एक बहुत बड़ा बम ले आता है। अरे आखिरकार सोन ने ये बाबा के ठेले के साथ क्या कर दिया, ये देखकर तो सोन भी डर जाता है। सोन ये देखकर डर के कारण घर के अंदर चला जाता है। अंदर तो बाबा दारू पीकर पूरे टुन हो चुके हैं। गुल्ली बोलता, बाबा आपको पराठा कैसा लगा? बाबा बोलते, गुल्ली तुमने तो पराठा काफी अच्छा बनाया है, लेकिन उससे भी अच्छा ये दारू है। तभी वहाँ पर सोन आ जाता है। बाबा बोलते, क्या हुआ सोन, तुम आखिरकार इतने डरे हुए क्यों हो? गुल्ली बोलता, लगता है कि बाबा के पीटने के कारण सोन का मूड खराब है। बाबा बोलते, सोन इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब की बार तुम मेरे छड़ी का गलत इस्तेमाल मत करना। सोन बोलता, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा बोलते, वो क्या सोन, अब तुमसे कौन सी बड़ी गलती हो गई,
सोन बोलता बाबा मैंने आपके आलू प्याज की रेडी को बम से उड़ा दिया। ओह नो, तू तो गया बेटे। ये सुनकर तो बाबा का गुस्सा साते में आसमान पर चढ़ जाता है। बाबा के सोन को पटकने के कारण बाबा की छड़ी टूट जाती है और फिर ये सारे लोग फ्री फायर के दुनिया में चले जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा ये हम लोग कहाँ आ गए। बाबा बोलते हैं लगता है कि हम लोग फ्री फायर की दुनिया में आ गए हैं और ये सब शायद मेरी छड़ी के टूटने के कारण हुआ है। लेकिन सोन तो अभी भी बेहोश है। गुल्ली बोलता सोन अब तुम बेहोश होने का नाटक मत करो वरना तुम्हारी बाबा एक बार फिर से कुटाई कर देंगे। ये सुनकर सोन झट से उठ जाता है। बाबा बोलते हैं ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है सोन। सॉरी। गुल्ली बोलता ये सब छोड़िए बाबा, जरा वहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो भूतिया बंगला की कमला चुड़ैल है। और आखिरकार ये फ्री फायर की दुनिया में क्या कर रही है। सोन बोलता है लगता है कि ये भी शायद फ्री फायर खेलती है। सोन बोलता है कमला को छोड़ो उधर देखो, ग्रैनी ग्रैंडपा भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बुल्ली बोलता है कमला तो इधर ही आ रही है, हमें जल्दी से किसी घर में छिपना होगा। और फिर ये सारे लोग क्लॉक टावर के घर के अंदर दौड़ कर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा इस फ्री फायर की दुनिया में तो सारे मॉन्स्टर फ्री फायर खेल रहे हैं और आखिरकार हम लोग इस फ्री फायर की दुनिया से बाहर कैसे निकलेंगे। बुल्ली बोलता कहीं हम लोग जिंदगी भर के लिए तो इस फ्री फायर की दुनिया में नहीं आ गए। मुझे अपने घर जाना है। बाबा बोलते हैं सोन रोना बंद करो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बस हम लोग को ये गेम जीतना है। गुल्ली बोलता हाँ बाबा और यहाँ पर तो काफी सारे हथियार भी रखे हुए हैं। बाबा बोलते तो देर किस बात की, सारे लोग अपना अपना हथियार चुन लो। और फिर हमारे चारों योद्धा दुश्मनों की छाती में छेद करने के लिए निकल जाते हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बाबा बोलते वो देखो जेसन भी फ्री फायर खेलता है। और वो तो बंदूक लेकर हमारी तरफ आ रहा है। सोन बोलता बाबा तब तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। बाबा बोलते हम लोग यहाँ भागने नहीं बल्कि मारने आए हैं, अभी देखो मैं उसे कैसे हेडशॉट देता हूँ। और फिर बाबा जेसन पर स्नाइपर तान देते हैं और जेसन के हेडशॉट लगते हैं, जेसन वहीं पर चित हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन तीनों उछलने लगते हैं। गुल्ली बोलता वाह बाबा आपने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, आपने क्या हेडशॉट मारा है। बाबा बोलते तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोग कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तुम लोग ये बात याद रखना कि मैं तुम लोग को ये गेम जिता कर यहाँ से मैं ही निकालूंगा। बुल्ली बोलता हाँ बाबा मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है। सोन बोलता वो देखो कमला तो इधर ही आ रही है। बाबा बोलते हैं इसे तो मैं अपने स्टाइल में मारूंगा, सारे लोग इस घर के अंदर आ जाओ। कमला वहां पर आती है और पागल की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। बाबा बोलते कमला ये तुम्हारा भूत बंगला नहीं बल्कि ये फ्री फायर है। और इतना बोलकर बाबा कमला पर छत से छलांग लगा देते हैं। लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा ने तो गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को देख लिया है। ग्रैनी बोलती है बुड्ढे जल्दी से ये मिसाइल उन लोगों पर छोड़ दो, ये लोग यहाँ से बचकर जाने नहीं चाहिए। और फिर ग्रैंडपा मिसाइल को बाबा की तरफ लॉन्च कर देते हैं। बाबा तो अभी मरते मरते बचे हैं। गुल्ली बोलता उधर देखिए बाबा ये हमला तो ग्रैनी और ग्रैंडपा ने किया है। और फिर देखते देखते ग्रैंडपा दो मिसाइल और दाग देते हैं। बाबा बोलते जल्दी यहाँ से भागो। और फिर सारे लोग दौड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। जल्दी चल बढ़िया, वो लोग आज बचकर भागने नहीं चाहिए। ये चारों तो गाड़ी लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। गुल्ली बोलता बाबा गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाइए वरना गाड़ी पलट जाएगी। अरे ये क्या, बाबा ने तो गाड़ी को हवा में उछला दिया है।
बुल्ली बोलता है गाड़ी में तो आग लग गई, हमें जल्दी कहीं पर छिपना होगा। वो लोग थोड़ी ही देर में यहाँ पर आते ही होंगे। और फिर सारे लोग गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ से दौड़कर क्लॉक टावर की बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर खूनी पिक छिपा हुआ होता है। और फिर सोन जैसे ही उस कमरे में जाता है, खूनी पिक सोन पर हमला कर देता है। लेकिन शायद खूनी पिक को पता नहीं है कि इस घर में बाबा भी हैं। और फिर क्या था, सारे लोग खूनी पिक को पकड़ लेते हैं। I'm really sorry. Sit down. Sit down. अरे ये क्या, बाबा ने तो चैनसो से खूनी पिक का पैर ही काट दिया और अब कभी भी खूनी पिक अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा भी आ चुके हैं। ग्रैनी बोलती इसी गाड़ी से वो चारों भागे थे, इसका मतलब है कि गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा यहीं कहीं पर छिपे हुए हैं। चल बुड्ढे, ये गेम खत्म होने से पहले हम दोनों को उन चारों को मारकर खत्म करना है, ताकि ये लोग जिंदगी भर के लिए इस गेम से निकल ही ना पाए। गुल्ली बोलता अब क्या करेंगे बाबा, हम लोग आखिरकार इस फ्री फायर की दुनिया से कैसे निकलेंगे। बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं गुल्ली, हम लोग को बस इस गेम को जीतना है, तभी हम लोग इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। गुल्ली बोलता पर बाबा अब तो आपकी शक्तियाँ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जादुई छड़ी टूट चुकी है। बाबा बोलते ये मुझे पता है बुल्ली, पर तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने एक बार बोल दिया ना, मैं तुम लोग को यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सोन बोलता बाबा अभी आपको जान देने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आपका जान ले लूंगा, अभी के लिए हम चारों को मिलकर ये गेम को जीतना है, ऐसे भी हम लोगों ने काफी बंदूकें ले लिए हैं। पर इन लोगों की बातें बाहर ग्रैनी ग्रैंडपा छिप कर सुन रहे होते हैं। ग्रैनी बोलती है ये लोग तो इस घर के अंदर छिपे हुए हैं, हम लोग को इस घर के अंदर चलना चाहिए। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा धीरे से चुपके चुपके इस घर के अंदर चले जाते हैं। You want to play hide and seek? लेकिन आखिरकार ये चारों लोग कहाँ चले गए? ये लोग तो खिड़की से निकलकर बाहर छत पर आ चुके हैं। ग्रैनी बोलती इतनी जल्दी आखिरकार वो लोग चले कहाँ गए? बाबा बोलते वो देखो जोन भी छोटा हो रहा है, लगता है कि समय खत्म होने ही वाला है और गेम के खत्म होते ही हम लोग इस गेम से बाहर आ जाएंगे। लेकिन तभी ग्रैंडपा खिड़की से बाहर देखते समय ग्रैंडपा का पैर फिसल जाता है और वो खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर ग्रैनी ग्रैंडपा के पास दौड़कर जाती है। बाबा बोलते हैं जिससे हमें ज्यादा डर था वो तो खुद ही मर गया। ग्रैनी नीचे आकर काफी रोने लगती है। अरे हमर मर्दनवा मर गया रे। गुल्ली बोलता बाबा इससे अच्छा मौका हमें ग्रैनी को मारने का नहीं मिलेगा, अब जल्दी से ग्रैनी का भी खेल खत्म करिए। बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर बाबा छत से ही ग्रैनी पर छलांग लगा देते हैं। और अब ग्रैनी का भी खेल खत्म हो चुका है, ये देखकर सारे लोग काफी खुश होते हैं। बाबा बोलते अब ज्यादा समय नहीं है, अब शायद एक दो लोगों को और मारना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इस गेम से बाहर निकल जाएंगे। और इधर रेड क्रिमिनल और बनी बंडल भी आ चुके हैं। सोन बोलता बाबा ये रेड क्रिमिनल और बनी बंडल है और ये दोनों काफी खतरनाक खिलाड़ी है। बाबा बोलते होंगे खिलाड़ी पर मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं। और फिर बाबा यूएमपी को बनी बंडल और रेड क्रिमिनल पर तान देते हैं। बुल्ली बोलता बाबा आप जितनी आसानी से इन दोनों को मारने के लिए सोच रहे हैं उतनी आसानी से ये दोनों मरने वाले नहीं है। और फिर बाबा रेड क्रिमिनल और बनी बंडल के ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं। तभी रेड क्रिमिनल तभी क्रोनो खोल देता है और बाबा की गोलियां तो इस क्रोनो सील के अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। और अब तो बाबा की सारी गोलियां भी खत्म हो चुकी है और अब लगता है कि बाबा का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। बनी बंडल डीजे ट्रिगर निकालता है और बाबा पर फायरिंग कर देता है। तेरे को ढूंढ निकाला है, समझ ले अब तेरा इस दुनिया से कनेक्शन कट। तुम्हारी ये गोली
लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। और फिर बनी बंडल और रेड क्रिमिनल बाबा को मारने के लिए बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं। गुल्ली बोलता वो दो और बाबा सिर्फ अकेले, हम लोग को भी बाबा की मदद करनी चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली सॉन भी बनी बंडल और रेड क्रिमिनल को मारने के लिए चले जाते हैं। तेरी बहन की छोटल इसकी अपना तेना बहन की। और ये क्या बनी बंडल और रेड क्रिमिनल का खेल खत्म हो गया। बाबा बोलते अब समय खत्म होने ही वाला है, अब हम लोग थोड़ी ही देर में इस गेम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये क्या ग्रैनी में तो अभी भी थोड़ी जान बची हुई है। ग्रैनी एक बम निकालती है और गुल्ली बुल्ली की तरफ फेंक देती है। और ये क्या बम के ऊपर तो बाबा लेट चुके हैं। गुल्ली बुल्ली सॉन तो गेम से बाहर निकल जाते हैं लेकिन बाबा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। गुल्ली बोलता बुल्ली अब ये क्या हो गया, बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। बुल्ली बोलता नहीं गुल्ली, कह दो कि ये झूठ है। सॉन बोलता मगर ये सच है, बुड्ढा मर गया और इस बात की तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए, तो तुम लोग आखिरकार रो क्यों रहे हो। Oh no! तो दोस्तों आखिरकार आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ साउट आउट जीने वाली पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको साउट आउट दूं तो उस वीडियो के नीचे कच्चा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।